पाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आई होप वैष्णवी को आवाज अब पहुंच पा रही है। वैष्णवी, मुझे सुन पा रही हैं? जी। वैष्णवी, सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, जिस तरीके से यूपीएससी क्रैक हो गया है, जाहिर है आपने बहुत मेहनत की होगी और उसी का ये एक नतीजा जो है वो इस तरीके से आपके सामने आया है। वैष्णवी, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, कौन सा आपका ये अटेम्प्ट था और अब आगे क्या सोचा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, थर्ड मेन था, सेकेंड इंटरव्यू था। प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में तो बहुत सारी गलतियां हुई। बाय द टाइम आई रीच थर्ड अटेम्प्ट, बहुत अच्छे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या गलतियां हो रही हैं, बहुत सारा आंसर राइटिंग किया, PYQs पे फोकस किया एंड सर्टेनली थिंग्स वर्क आउट फाइनली। अपने ऑप्शनल पे बहुत फोकस किया, एथिक्स एंड एसे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उन पे बहुत फोकस किया एंड गोइंग फॉर द फ्यूचर, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और एक बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है। बिल्कुल। अब आप जो एस्पिरेंट्स हैं वैष्णवी, उनको उनको क्या सलाह देना चाहेंगी, वो किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा फोर्थ ईयर अटेम्प्ट था, ऐसे में जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में देखिए अपने आप को बूस्ट करना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और फिर जब आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको कोप कैसे किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको ये काम यही करना है, सिविल सर्विसेज करना है। और जब आप एकदम श्योर होते हैं तो आपको होप भी होती है, जब आप फेलियर झेलते हैं तो आपको बहुत पेन होती है, सबको होती है। आप पेन को एक्सेप्ट करिए, अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और प्लीज फिर से स्टार्ट हो जाइए। सजेशन तो नहीं है पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से कि अगर आपने कोई सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो प्लीज फेलियर से मत डरिए, कोशिश करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ये कहा जाता है, और यही है कि कोशिश जब आप लगातार करते हैं तो फिर उसका नतीजा कुछ इस तरीके से सामने निकल के आता है। आशना चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशना ने भी यूपीएससी क्रैक किया है। आशना का हम जरूर कर लेते हैं। आशना, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले यूपीएससी क्रैक आपने कर लिया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में ये है सबके लिए, आप टॉपर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशना, कितना मेहनत इसके पीछे आपकी रही, किस तरीके से ये मूवमेंट जो है इस वक्त आप जी पा रही हैं? पहले तो बहुत बहुत बधाइयां मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बधाइयां देने के लिए। इस मूवमेंट में मुझे बहुत मिक्स इमोशंस फील हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी थोड़ा सा एहसास है। मुझे नर्वसनेस भी थोड़ी हो रही है कि आगे की जर्नी कैसी रहेगी। अभी तक मेरे पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे, अब मेरे पास वो एक इम्यूनिटी नहीं रहेगी, तो काफी मिक्स इमोशंस अभी मुझे फील हो रहे हैं। बिल्कुल। आशना, रिएक्शन फैमिली का क्या था जब रिजल्ट हुआ, तो किसने सबसे पहले रिजल्ट देखा? रिजल्ट मेरी फ्रेंड ने सबसे पहले देखा था, शी इज आल्सो एसोसिएटेड विद यूपीएससी, शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, तो उसने सबसे पहले रिजल्ट देखा। बेसिकली मेरा कल मास्टर्स का एग्जाम था, मैं उसी से वापस आ रही थी। आई वाज इन द जर्नी एंड शी कॉल्ड मी अप एंड सेड कांग्रेचुलेशंस, यू मेड इट। ग्रेट। तो ये दोस्त के जरिए देखिए देखा गया, लेकिन जाहिर है कि जब आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत सफल हो गई है तो वाकई में खुशी बहुत होती है। जो आपके आसपास के लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश यहाँ पर हो जाते हैं। आशना, मुझे बताएगा आया कैसे कि यूपीएससी करना है, किसी से इंस्पिरेशन मिली या फिर घर वालों ने बोला कि यूपीएससी करना है, आपके मन में कैसे आया? बेसिकली मैं हमेशा से अचीवर्स बैच में रही थी, हमेशा से आई यूज्ड टू बी इन द टॉप 10 इन क्लास एंड सबको लगा था कि मैं आगे चलकर यही राह अपनाऊंगी और सबका फैमिली में भी काफी काफी सजेशंस मुझे मिले कि आपको ये करना चाहिए। मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज ली, तब तो मानो जैसे ठप्पा ही लग गया कि हाँ मैं ये ही करूंगी, बट ग्रेजुएशन के बाद आई वाज इन मल्टीपल माइंड्स वेदर टू गो फॉर अ job in the corporate sector or choose to sit for government services. I thought I would skim through the syllabus for once and then see if it suits me. And when I skimmed through the syllabus and went through a few books, I realized this is what I want to do. This is basically, I started getting involved in it in depth.
बहुत बढ़िया, ये इन्वॉल्वमेंट ही शायद आपका ऐसा रहा कि जिसके चलते आप रैंक जो है वो हासिल यहाँ पर कर पाई है। तमाम टॉपर्स हमारे साथ लगातार बने हैं आप सब।